लिए 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी को एक नहीं बल्कि दो दो झटके दे डाले हैं। पहले ऐतिहासिक बजट पेश किया, फिर पायलट के साथ किसान सम्मेलनों में शिरकत की। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के इस एकता से बीजेपी बेचैन है। बीजेपी खेमे में इससे खलबली मची हुई है। इसके बाद सरकार गिराने का दावा करने वाली भाजपाई तिगड़ी एक बार फिर सक्रिय हो गई है। नेता प्रतिपक्ष गुलाम चंद कटारिया ने फिर कहा है कि जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस दिन सरकार धाराशायी हो जाएगी। कटारिया के इस बयान पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर भी इसमें हां में हां मिलाते नजर आ रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत की ओर से अब तक का सबसे लंबा और घोषणाओं के अंबार वाला बजट पेश करने के बाद भाजपाई संभाले भी नहीं संभल रहे हैं। हाल ही में हुए किसान सम्मेलनों में कांग्रेस की एकता की तस्वीर से वो फिर परेशान हो गए हैं। सरकार के गिरने के बयान देने वाले भाजपाई दिग्गजों को ये तस्वीरें भी दिखावे की नजर आ रही हैं। इसमें भी वो फूट का तड़का ढूंढ रहे हैं। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष कटारिया तो रविवार को यहाँ तक बोल गए कि पायलट गहलोत के रिश्तों में गांठें पड़ी हुई हैं। ये रिश्ते कभी सामान्य हो ही नहीं सकते। बाकौल कटारिया, जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस दिन सरकार धाराशायी हो जाएगी। राजेंद्र राठौर ने भी कटारिया की ही बात को कुछ ऐसे ही शब्दों में आगे बढ़ाया। कांग्रेस की फूट को मुद्दा बनाकर उपचुनाव जीतने के सपने देखने वाली बीजेपी के मंसूबों पर फिलहाल तो पानी फिर गया। कांग्रेस के नेताओं की नजदीकियां उसे हैरान कर रही हैं। सरकार गिरने और मध्य अवधि चुनाव भी भविष्यवाणी करने वाले भाजपाई बयावन वीर इन तस्वीरों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं के बीच मिटते गिले शिकवे उसके लिए सिरदर्द बन रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कांग्रेस खेमे में कला की पूरी गुंजाइश के पीछे भांति भांति के तर्क दे रहे हैं, लेकिन वो फिलहाल तो किसी के भी गले उतरने नहीं दिख रहे हैं। प्रदेश में किसान सम्मेलनों के बीच सरकार के बजट के खूब चर्चे हैं। सरकार बदली फिजा को उपचुनाव तक बरकरार रखना चाहती है ताकि कांग्रेस की फूट में जीत के भाजपाई मंसूबे किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो सके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।